होटल राजमहल एपिसोड 25 जैसे को तैसा। अपने सामने जानवी को इस भयानक हाल में देखकर संजय दीवान की हालत खराब हो जाती है। उसका पूरा शरीर डर से कांपने लगता है और उसने जो भी जानवी के साथ किया था वो सब उसकी आंखों के सामने आ जाता है। वो जानवी के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगता है। मुझे माफ कर दो, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। गुस्से में जानवी उसे एक जोर का धक्का मारती है और संजय सामने दीवार से जा टकराता है। संजय दर्द में जोर से कराहता है। तभी जानवी संजय दीवान से बोलती है, उठकर खड़ा हो और कपड़े उतार अपने। ये सुनकर संजय हैरान रह जाता है और जानवी की तरफ देखने लगता है। जानवी जोर से चिल्लाती है, उतार अपने कपड़े। संजय दीवान दहशत में फटाफट अपने कपड़े उतारने लगता है और अपनी शर्ट पैंट उतार देता है। जानवी आगे कहती है, जो ये तेरे शरीर पर कपड़े बचे हैं इनको भी उतार। संजय उनको उतारने में थोड़ी ना नुकर करता है तो जानवी गुस्से से उसे घूर कर देख कर कहती है, नहीं उतारेगा तो मैं तेरी बेटी को अभी मार दूंगी। संजय ये सुनकर अपने अंडर गारमेंट्स भी उतार देता है। संजय की आंखों में डर और अपनी बेटी की चिंता से आंसू आ जाते हैं। जानवी उसे ऐसे देखकर जोर जोर से हंसने लगती है और बोलती है, अब जरा खून कर तो दिखा, मैं तुझे हर एंगल से देखना चाहती हूँ। संजय जानवी की बात सुनकर घूमने लगता है। जानवी की हंसी से पूरा होटल राजमहल गूंजने लगता है। वहीं संजय दीवान की बेटी नव्या ये सब दूर से खड़ी देख रही होती है और फिर करीब आ जाती है। संजय दीवान अपनी बेटी के सामने खुद को इस हाल में देखकर बहुत शर्मिंदगी महसूस करता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो अपनी नजरें नीचे झुका लेता है। नव्या अपने पापा को गुस्से में देखकर कहती है, मुझे आपको अपना पापा कहने में भी शर्म आ रही है, आप किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। संजय दीवान फूट फूट कर रोने लगता है। नव्या आगे बोलती जा रही है, मुझे लगता था सारी दुनिया जो भी आपके बारे में बोल रही हो वो सब गलत है, लेकिन सब सही थे और मैं गलत थी। आई हेट यू, मैं नफरत करती हूं आपसे, और जिंदगी भर कभी अपना चेहरा मत दिखाना। आपके जैसे इंसान के घर पैदा होने से अच्छा तो मैं कभी पैदा ही नहीं होती। ये सब बोलते बोलते नव्या की आंखों से झर झर आंसू बहने लगते हैं। संजय दीवान को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो जानवी के पैरों में गिरकर माफी मांगता है। मैं जानता हूं कि मैंने बहुत सी लड़कियों के साथ बहुत गलत किया है और मेरे गुनाह माफी के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे माफी मांगता हूं जानवी, मुझे माफ कर दो। जानवी अपनी नजरें फेरते हुए कहती है, वैसे तो तेरे जैसे घटिया दरिंदे को जीने का कोई हक नहीं है, लेकिन तेरी बेटी के लिए मैं तेरी जान बख्शती हूं। मैं बहुत अच्छे से जानती हूं कि बच्चों की जिंदगी में माँ बाप की क्या अहमियत होती है। संजय वही उसके पैरों में बैठा रहता है और माफी के लिए गिड़गिड़ाए जा रहा होता है। तभी जानवी उससे कहती है, जा चला जा यहां से, इससे पहले कि मैं अपना इरादा बदल दूं। थोड़ी देर वहीं बैठे रहने के बाद संजय दीवान वहां से उठता है, अपने कपड़े पहनता है और वहां से रोता बिलखता हुआ निकल जाता है। उसकी बेटी नव्या भी वहां से एक नजर जानवी और विशाल की तरफ देखकर चली जाती है। उन दोनों के जाते ही जानवी जोर जोर से रोने लगती है और रोते रोते नीचे जमीन पर गिर जाती है। ये देखकर विशाल की आंखें भी भर आती हैं, पर वो चाहकर भी जानवी को चुप नहीं करवा सकता।
तभी एक बार फिर होटल राजमहल का दरवाजा खुलता है और जानवी के बूढ़े माँ बाप होटल के अंदर दाखिल होते हैं। अपने माँ बाप को अपने सामने देखकर जानवी को यकीन ही नहीं आता और जल्दी से उठकर वो वहां से भाग कर जाती है और अपनी माँ के गले लग जाती है और फूट फूट कर रोती है। अपनी बेटी को इस तरह से देखकर उसकी माँ की आंखों में भी आंसू गिरने लगते हैं। अपनी बेटी को खूब दुलार करती हुई जानवी की माँ बोलती है, ये सब क्या हो गया लाडो? एक दिन एक पल ऐसा नहीं था जो हमने तुझे याद किए बिना गुजारा हो। हमने क्या क्या सपने नहीं देखे थे तेरे लिए, लेकिन हमारे हिस्से में आया तो ये सब क्या कुछ नहीं सहा हमारी लाडो ने। वही जानवी बस अपनी माँ के गले लगे रोए जा रही होती है। मैंने हम दोनों को बहुत दुख दिए ना माँ, मैं बहुत बुरी बेटी हूं। दूसरी तरफ खड़े उसके पिता अपनी आंखों में आंसुओं को छिपाए मजबूत बनने का दिखावा कर रहे होते हैं। तभी जानवी अपने पापा की तरफ देखती है और उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और जानवी उनके गले लग जाती है। उसके पापा भी उसे बहुत दुलार करते हैं और रोते हुए कहते हैं, काश काश मैंने तुझे उस दिन प्यार से समझाया होता और खुद सही तरीके से तुझे तेरे हीरोइन बनने के सपने में मदद करता, तो आज मेरी बच्ची तो हमारे साथ होती। मुझे माफ कर दे। अपने पापा को रोता हुआ देखकर जानवी बोलती है, नहीं पापा, आप तो बहुत अच्छे हैं। काश कि मैंने आपकी बात मान ली होती और मैं उस दिन घर से भाग कर ना आती, तो आज मेरी जिंदगी क्या होती। उसके पिता बीच में ही बोल पड़ते हैं, अगर तेरे घर आने पर मैंने पाबंदी ना लगाई होती तो उस रात घर लौट आती। जब तेरे पास कहीं जाने का कोई ठिकाना ही ना बचा था तो तू भी क्या करती। वहीं ये सब बोलते बोलते पूरा परिवार बस अपनी किस्मत के आगे मजबूर आंसू बहाए जा रहा होता है। दूर खड़ा विशाल ये सब देखकर खुद पर काबू नहीं रख पाता और उसकी भी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन ये खुशी के आंसू हैं। उसने जानवी को उसके मां पापा से मिलवा दिया। कुछ ही देर में होटल राजमहल का दरवाजा खुल जाता है और सामने सफेद रंग की रोशनी दिखाई देने लगती है। जानवी अपने मां पापा से कहती है, अब मुझे जाना होगा, लेकिन मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि अगले जन्म भी मुझे आप ही मां पापा के रूप में मिले, तब मैं एक अच्छी बेटी बनकर रहूंगी। अपनी बेटी की बात सुनकर दोनों बूढ़े दंपत्ति खुद को संभाल ही नहीं पाते। जानवी पीछे मुड़कर विशाल की ओर देखती है और मुस्कुराते हुए कहती है, थैंक यू विशाल, तुमने मेरी सारी अधूरी इच्छाएं पूरी कर दी, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। विशाल मुस्कुराते हुए जानवी को अलविदा करता है। जानवी भी विशाल के साथ खड़ी बाकी की आत्माओं और अपने मां पापा को अलविदा करके उस सफेद रोशनी में कहीं गुम हो जाती हैं। वही जानवी के मां पापा विशाल को धन्यवाद करके होटल राजमहल से वापस अपने घर चले जाते हैं। विशाल अभी अपने आंसू पोंछ ही रहा होता है कि तभी उसे अपने सामने मल्लिका नजर आती है और वो विशाल से पूछती है, तुम क्यों रो रहे हो विशाल? विशाल कहता है, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। मल्लिका विशाल का जवाब सुनकर मुस्कुराने लगती है और देखते ही देखते धुएं की तरह वहां से गायब हो जाती है। विशाल जाकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है और उसकी आंखों में सुकून साफ दिखाई दे रहा होता है। वो शांति से अपनी आंखें बंद करता ही है कि तभी एक बार फिर उसके कानों में लोगों के चीखने और चिल्लाने का शोर सुनाई देने लगता है। विशाल हड़बड़ाहट में अपनी आंखें खोलता है तो चारों तरफ भीषण आग लगी होती है। विशाल जल्दी से होटल राजमहल से बाहर आ जाता है
और जैसे ही पीछे पलट कर देखता है तो होटल धू धू करके बुरी तरह से जलकर मिट्टी में मिल रहा होता है। विशाल होटल से घर आते ही औंधे मुंह बिस्तर पर गिर जाता है। पूरे दिन और रात की थकान की वजह से विशाल को तुरंत ही नींद आ जाती है। जब विशाल की आंख खुलती है तो दोपहर के 1 बज रहे होते हैं। विशाल को आज सब बहुत अच्छा लग रहा होता है। तभी दरवाजा खुलता है और प्रिया कमरे के अंदर दाखिल होती है और सीधे विशाल पर कूद पड़ती है। प्रिया को देखते ही मुरली विशाल के कान में फुसफुसाता है। लो, इस सुहानी दोपहर में इस चुड़ैल की ही कमी थी। तभी बंसी दूसरे कान में फुसफुसाता है। चल भाई मुरली, चलते हैं यहां से, अब तो ये दोनों फिर से चालू हो जाएंगे। तभी प्रिया विशाल की शर्ट के बटन खोलने लगती है। ये देखकर विशाल को कुछ अच्छा नहीं लगता और वो बोलता है, अब प्रिया हम लोग क्या सिर्फ इसीलिए मिलते हैं? प्रिया जवाब देती हुई कहती है, विशाल तुम कहना क्या चाहते हो? विशाल कहता है, मेरा मतलब ये है प्रिया कि कभी तुम पास आकर बात भी कर लिया करो। जब भी तुम आती हो बस एक ही चीज होती है हमारे बीच। प्रिया गुस्से में कहती है, ओ तो अब तुम्हें मेरे प्यार करने से भी दिक्कत होने लगी। विशाल ने प्यार से समझाते हुए कहा, प्रिया प्यार का मतलब सिर्फ जिस्मानी नहीं होता है, एक दूसरे के इमोशन को समझना भी जरूरी है। प्रिया ने विशाल से दूर होते हुए कहा, अच्छा तो तुम ये कहना चाहते हो कि मैं तुम्हें नहीं समझती। रात रात भर तुम भूत चुड़ैलों के बीच बिजी रहते हो और दिन में सोए रहते हो, इस सब में मेरी क्या गलती है विशाल? विशाल ने आगे कहा, मैं तुमसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं प्रिया कि क्या हम 2 पल आराम से बैठ नहीं सकते, क्या बातें नहीं कर सकते? प्रिया गुस्से में बोलती है, हाँ मैं तो तुम्हें आराम करने ही नहीं देती ना, इसीलिए तुम अब ऐसा करो, तुम अकेले बैठकर आराम ही करो। इतना कहकर प्रिया गुस्से में धड़ाम की आवाज के साथ दरवाजा बंद करके वहां से चली जाती है। ये सब देखकर विशाल उदास होकर बैठ जाता है। उसे ऐसा पहली बार लगा जैसे प्रिया उसको समझती नहीं है। पूरे दिन की परेशानी के बाद विशाल रात 11 बजे होटल राजमहल पहुंचता है। विशाल जैसे ही रिसेप्शन डेस्क पर पहुंचता है वो अपने सामने का नजारा देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाता और अचानक जोर से विशाल की चीख निकल जाती है। दरअसल विशाल के सामने एक बहुत ही भयानक औरत मौजूद है जो अपने ही शरीर को नोच नोच कर खा रही होती है, और वो अपने शरीर के जिस हिस्से को नोचती जा रही होती है वहां से एक अजीब से रेंगने वाले कीड़े निकलने लगते हैं, और देखते ही देखते वो रेंगने वाले कीड़े पूरे डेस्क पर फैल जाते हैं। तभी अचानक वो औरत खाते खाते विशाल को देखती है और विशाल के चेहरे की हवाइयां उड़ने लगती हैं। वो औरत विशाल की ओर देखकर बड़े ही खौफनाक तरीके से मुस्कुराती है। उस औरत के खून से रंगे दांत देखकर तो किसी का भी खून पानी बन जाए। डर के मारे विशाल पसीने से लथपथ हो जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी वो औरत चलकर विशाल की ओर बढ़ने लगती है और उसकी डरावनी हंसी मानो पूरे होटल में गूंजने लगती है। वो औरत विशाल के बिल्कुल नजदीक आ जाती है और विशाल भी अपने चेहरे पर उस औरत की आहट महसूस कर पा रहा होता है। तभी उस औरत के शरीर से कीड़ा विशाल के चेहरे पर गिर जाता है। ये सब महसूस करते हुए विशाल के रोंगटे खड़े होने लगते हैं। उसे लगता है जैसे आज उसकी जिंदगी का ये आखिरी दिन है। तभी वो औरत विशाल के चेहरे की ओर झुकती है और उस कीड़े को उठाकर खा जाती है। विशाल की हालत बहुत खराब हो रही होती है। तभी इतने में वो औरत विशाल के कान के पास जाकर धीरे से फुसफुसाती है।
डरो मत विशाल, आंखें खोलो, मैं तुमको कुछ नहीं करूंगी। मुझे तो यहाँ मालकिन मल्लिका ने भेजा है, वो तुमको ऊपर बुला रही है। और इतना बोलकर वो औरत एक झटके से वहां से गायब हो जाती है। विशाल को उस औरत का एहसास होना बंद हो जाता है, लेकिन होटल के ठंडे आलम में भी उसके माथे पर पसीने की बूंदें झिलमिलाने लगती हैं। और विशाल हिम्मत करके धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है तो उसे वो औरत कहीं दिखाई नहीं देती है। विशाल सीधे मल्लिका के कमरे की ओर बढ़ जाता है। मल्लिका का कमरा पूरे होटल का सबसे सुंदर, आलीशान और बड़ा कमरा है। कमरे के सामने पहुंचकर विशाल सोच ही रहा होता है कि अंदर जाऊं या नहीं जाऊं। इतने में विशाल को अंदर से आवाज आती है। क्या सोच रहे हो विशाल, आओ अंदर आओ। और इसी आवाज के साथ कमरे का दरवाजा खुद से ही खुल जाता है। विशाल डरते डरते कमरे के अंदर जाता है और चारों तरफ देखता है, लेकिन कमरे में उसे कहीं मल्लिका नजर नहीं आती। विशाल को थोड़ा डर लगने लगता है और उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। तभी अचानक से मल्लिका पीछे से विशाल को हक कर लेती है और यहां वहां चूमने लगती है। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी विशाल। विशाल खुद को छुड़वाने की कोशिश करने लगता है। मैम ये आप क्या कर रही हैं? छोड़िए मुझे प्लीज। लेकिन जैसे मल्लिका के कानों में विशाल की कोई बात नहीं पहुंच रही और वो सीधे विशाल को बेड पर धक्का दे देती है। मल्लिका ने उस वक्त नारंगी रंग का ट्रांसपेरेंट गाउन पहना होता है। मल्लिका का मलाई से भी ज्यादा गोरा और मखमल बदन साफ साफ दिखाई पड़ रहा होता है। विशाल की जगह कोई और इंसान होता तो वो शायद पूरी तरह से खूबसूरत मल्लिका की तरफ टूट पड़ता, लेकिन विशाल अपनी नजरें फेर लेता है। मल्लिका बेड पर आकर विशाल के शरीर को चूमने लगती है और उसकी शर्ट उतारने लगती है। लव मी विशाल। मल्लिका की इस हरकत से विशाल को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो मल्लिका को पकड़कर खुद से दूर करता है और बेड से उठते हुए जोर से कहता है, बस बहुत हुआ, ये अभी आप क्या करने की कोशिश कर रही थी। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं मैम, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे साथ कुछ भी करें। मैंने इतनी बार आपको समझाया है लेकिन आप है कि मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं है। मैंने आपसे कितनी बार कहा है मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूं, और उसके अलावा मैं किसी के साथ कुछ करना नहीं चाहता हूं। विशाल की बातें सुनकर मल्लिका विशाल से दूर हो जाती है और विशाल से कहती है, हाय गुस्से में भी इतने हैंडसम लगते हो तुम। फिर चलो एक काम करो, मैं तुम्हें एक घंटे की छुट्टी देती हूं, तुम अपने घर होकर आओ। मल्लिका के मुंह से ऐसी बातें सुनकर विशाल बहुत हैरान हो जाता है और पूछता है, अब लेकिन क्यों? तो मल्लिका बहुत प्यार से बोलती है, तुम्हारा मूड चेंज हो जाएगा, जाना जरूर। विशाल ये सुनकर हैरान होता हुआ नीचे अपने डेस्क पर आकर बैठ जाता है और सोचने लगता है, क्यों कहा मल्लिका ने ऐसा, वो भी काम के समय पर, पहले तो कभी नहीं कहा मल्लिका ने, क्या मुझे सच में घर जाना चाहिए। तभी वहीं थोड़ी देर पहले जो डरावनी औरत विशाल को अपना ही मांस नोचती और खाती हुई दिखाई दी थी, वो एक बार फिर सामने दिखाई पड़ती है। वो विशाल के नजदीक जाकर कहती है, जाओ ना विशाल, सोच क्या रहे हो। विशाल भागता हुआ होटल से बाहर निकल जाता है और अपने घर की तरफ चल पड़ता है। विशाल जैसे ही कमरे में पहुंचता है तो वहां ताले को खुला देखकर वो हैरान हो जाता है
और जल्दी से दरवाजा खोलकर अंदर जाता है। कमरे के अंदर का नजारा देखकर विशाल की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तो क्या होगा आगे कहानी में? आखिर विशाल ने ऐसा क्या देख लिया है? क्या इसी वजह से मल्लिका ने विशाल को घर भेजा था?